दोस्तों, जैसे ही सर्दियां आती हैं, हमारी स्किन का जो ग्लास लुक होता है वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाता है। हम वो ग्लास स्किन जब पूरी गर्मियों में अपनी बारिश में मेंटेन करके रखते हैं, सर्दियों के आते ही वो ग्लास स्किन कहीं गुम हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों के अंदर हमारे चेहरे पर जमा होने वाले जो डेड सेल्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये डेड सेल्स इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि उसकी वजह से हमारी स्किन धीरे धीरे डिटोरिएट करने लगती है। पूरे साल भर की गई जो मेहनत है वो इन सर्दियों में गायब हो जाती है और हम वहीं के वहीं बेजान स्किन के साथ बैठे रहते हैं। सो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुदरत जब मौसम बदलती है, अपना रंग और रूप बदलती है, तो उसके साथ साथ उसने इंसान को भी बहुत सारी चीजें प्रदान की हैं जिनका इस्तेमाल करके इंसान भी अपने रंग और रूप को निखार सकता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चार ऐसी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें हमारे आसपास हैं और बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और इन इजीली अवेलेबल चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन पर ग्लास स्किन जैसी फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं, एंड वो भी पूरे साल भर के लिए। सो मेक श्योर कि अगर आप भी अपनी स्किन को ग्लास स्किन जैसा लुक देना चाहते हैं, सो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड इन चार प्रोडक्ट से बनने वाली इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं। आयुर्वेद जो ना सिर्फ हमें बीमारियों को ठीक करने की कला सिखाता है, बल्कि एक ऐसा आर्ट ऑफ लिविंग है जो हमें बताता है कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरह से अपना जो बॉडी का टेक्सचर है, बॉडी का जो हमारा नेचर है उसे चेक करके डाइट प्लान करनी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी स्किन के लिए आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम सही जानकारी नहीं होने की वजह से आयुर्वेद का इस्तेमाल या आयुर्वेद का फायदा पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं। सो इसी को जानकारी देने के लिए हमने एक 5 दिन का एक बहुत ही बेहतरीन एक ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है ब्यूटी विद आयुर्वेदा। ये 5 दिनों के वर्कशॉप के अंदर मैं आपसे बात करूंगा किस तरह से हमारा शरीर बना हुआ है, किस तरह से हमारे शरीर को आयुर्वेद के साथ जोड़ करके हम अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए अलग अलग हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, अपनी बॉडी के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम डाइट की प्लानिंग करेंगे, कैसे हम बाहर से स्किन पर और बालों पर लगाने के लिए प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करेंगे, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं इन 5 दिनों के वर्कशॉप के अंदर। ये वर्कशॉप पूरी तरह से ऑनलाइन है और ये वर्कशॉप होने वाली है 13 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक। इसमें मैं रोज 2 घंटे जूम एप्लीकेशन के माध्यम से आपको क्लास दूंगा जहां पर आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से इस चीजों को फॉलो करके आप अपनी ब्यूटी को, अपनी बॉडी को एनहांस कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्टर करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दिया है, जहां से जाकर के आप इसके लिए इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी फीस हमने बहुत नॉमिनल रखी है, जो है केवल 2000 रुपए। जब आप इसे ज्वाइन करेंगे और इसकी नॉलेज लेंगे तो आपको लगेगा ये 2000 रुपए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी ब्यूटी एंड अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए रजिस्टर करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात होगी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। सो मेक श्योर आज ही रजिस्टर करें क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। दोस्तों, जब भी हम डेड सेल्स को हटाने की बात करते हैं या फिर स्किन को वापस से पॉलिशिंग इफेक्ट देने की बात करते हैं, तो हमारे आसपास मिलने वाला एक फूल जिसको कि हम गुड़हल का फूल कहते हैं या हिबिस्कस का फूल कहते हैं या फिर चाइना रोज कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन के ऊपर जमा डेड सेल्स को हटाने के साथ साथ स्किन के नीचे से जो नए सेल्स बाहर आते हैं उसे ताकत देता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ फाइटो एंजाइम्स होते हैं जो स्किन के नए को ताकत देकर के उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, उसमें ग्लो लाते हैं, उसमें चमक लाते हैं और स्किन की अपीयरेंस को ओवरऑल बेहतर बनाते हैं। सो यहां पर हमें फ्रेश अगर फ्लावर्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको फ्रेश फ्लावर्स नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको मार्केट में हिबिस्कस फ्लावर पाउडर मिलता है जिसका इस्तेमाल करके भी आप इस रेमेडी को बना सकते हो। सो अगर आपके पास फ्लावर्स फ्रेश मिल जाए तो 5 फूलों को आप सुखा लीजिए, सूखने के बाद उन्हें क्रश कर लीजिए तो आपका पाउडर तैयार हो जाएगा, और अगर आपके पास फ्लावर्स नहीं है तो आप रेडीमेड जो पाउडर आपको मिल रहा है उसको लेकर के 1 चम्मच आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ऑर्गेनिक पाउडर परचेज करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इजीली उसे ट्राई कर पाओगे। नंबर 2, दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें चाहिए इस रेमेडी को बनाने के लिए वो है मिल्क पाउडर।
मिल्क पाउडर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है, और ये लैक्टिक एसिड आपकी स्किन में जमा जितने भी डेड सेल्स होते हैं उनको निकालता है, और साथ के साथ में आपकी स्किन पर ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आपको देता है। जितने भी लैक्टिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देते हैं, आपकी स्किन को वापस से यूथफुल अपीयरेंस देते हैं। एंड दूध से बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता है, सो मिल्क पाउडर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा, क्या सर हम मिल्क पाउडर की जगह पर फ्रेश दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं। उसका रीज़न है क्योंकि जब हम मिल्क पाउडर लेते हैं तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर से वाटर वाला जो पार्ट है वो निकाल दिया जाता है। सो अगर आपको पाउडर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सो एक चम्मच आपको यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करना है। नंबर तीन जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर मिक्स करेंगे वो है बेसन। बेसन जो है वो हमारी डेड सेल्स के साथ बहुत अच्छे से चिपक जाता है, और चिपक करके हमारी स्किन के जमा जितने भी डेड सेल्स हैं उन्हें बहुत इजीली वो वैनिश कर देता है, निकाल देता है। बेसन साथ के साथ में हमारी स्किन के पोर्स को प्योरीफाई करता है, रिफाइन करता है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्ने जैसी जो समस्याएँ होती हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है, और हमारी स्किन वापस से रिजुविनेटेड दिखाई देती है। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर बेसन ज़रूर इस्तेमाल करें। सो तीन चीज़ें हमने अभी तक ली हैं, एक चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, एक चम्मच हमने लिया है मिल्क पाउडर, एक चम्मच हमने लिया है बेसन। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए, और अब इसका पेस्ट आपको बनाना है दही के साथ में। दही जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि फ्रेश दही के अंदर लैक्टिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है, जो आपकी स्किन के साथ में ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग प्रॉपर्टीज देने के साथ साथ आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है। सो मेक श्योर कि इसे भी आप जरूर ट्राई करें, यह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देने वाला है। अब आप इस फेस पैक को बना करके अपने चेहरे पर लगाइए। चेहरे पर लगा करके इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद आप देखोगे ये आपकी स्किन पे पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद अपने हाथों को थोड़े से लिक्विड पानी के साथ डिप करके अपने इस पैक पर छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए मसाज कीजिए, और मसाज जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्किन अब आपको बहुत ही आसानी से रिजुविनेटेड होती हुई नजर आ रही है। अच्छे से 10 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए, और वॉश करके आप देखोगे आपकी स्किन आपको बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई दे रही है और आपको थैंक यू बोल रही है। ये रेमेडी आप हफ्ते में 2 बार फॉलो कीजिए, और इसे 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति फॉलो कर सकता है। ये जो तीनों पाउडर्स हमने लिए हैं, हिबिस्कस पाउडर, मिल्क पाउडर एंड बेसन, इन तीनों को मिला करके कॉम्बिनेशन आप पहले ही रख सकते हो। जब भी आपको यूज करना हो एक चम्मच लीजिए, दही के साथ मिला करके पेस्ट बनाइए, और इजीली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। डेफिनेटली अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।